हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक लाइफलाइन के ऊपर होगा। तो लाइफलाइन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि हमारे हाथ में पांच रेखाएं हैं जो मेन मानी जाती हैं। तो जिनमें से पांच रेखाएं कौन कौन सी हैं, ये लाइन कौन सी होती है? ये हमारी जाती है हार्ट लाइन, ये हमारी हो गई हेड लाइन, और ये हो गई हमारी लाइफ लाइन, ठीक है, और ये हमारी हो गई फेथ लाइन, और ये हो गई सन लाइन। तो ये हमारी पांच लाइनें होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट मायने जाती हैं। ये सन लाइन हुई, ये फेथ हुई, ये हमारी हार्ट हुई, और ये वाली आती है हेड, और ये लाइफ लाइन, और फेथ मैंने बताई थी। ये पांच हमारी लाइनें हाथ के अंदर होती है जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ के अंदर में। अब आज ही मेरा जो मेन टॉपिक है वो लाइफ लाइन के ऊपर है। मतलब कुछ मैं लाइफ लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि अगर आपकी लाइफ लाइन में किस तरह की लाइनें अगर जा रही हैं तो वो किस तरह से इफेक्ट करती हैं। जैसे ये हुआ हमारी लाइफ लाइन, ये हमारी लाइफ लाइन है। अगर ये लाइफ लाइन बहुत जैसे अच्छी लॉन्ग है, लंबाई लेंथ वाइज अच्छी है और कटी पिटी हुई नहीं है, ये कटी नहीं है, कहीं से क्रॉस भी नहीं हो रहा, तो ये एक अच्छी हेल्थ को शो करती है अगर इस तरह की लाइन हमारे हाथ के अंदर दिखाई होती है। यहीं पर अगर हमारा कहीं पे हमारा ब्रेक लग जाता है, मतलब कोई लाइन जैसे आके इसने इसको कर दिया, ब्रेक कर दिया, कोई इसमें आके ऐसे कोई किसने ब्रेक कर दिया, या इधर से कोई लाइन ने ब्रेक किया है इसको, तो अगर ब्रेक कर देती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी अगर इस तरह का होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि अगर हमारी लाइफ लाइन में चेन टाइप की लाइफ लाइन होती है, जैसे चेन टाइप मतलब इन द सेंस जैसे ये हमारी लाइफ लाइन है, इसमें चेन बन जाना, ये इस तरह का आपने देख चेन बन जाता है, मतलब ये आप देख ये इस तरह की कोई चेन सी चेन बन जाती है। तो अगर इस तरह का जो जैसे चेन बना हुआ है तो ये भी एक बैड हेल्थ को शो करता है। अगर चेन आपकी जरूरी नहीं है कि ये पूरी लाइफ लाइन में ही बनी हुई होगी, मतलब कहीं स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेन आपका दिखाई देगा, या एंड पॉइंट में या मिड में कहीं भी चेन जहाँ भी होता है, तो उस पीरियड में आपको हेल्थ का इश्यू आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर हमारी लाइफ लाइन कर्व लिए हुए, ये कर्व लिए हुए है, हमारी दोनों साइड से कर्व लिया हुआ है, तो ये एक अच्छी मानी जाती है। इसमें ऐसे इंसान को लाइफ में सक्सेस मिलती है, काफ़ी गेन होता है उसको लाइफ के अंदर, और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहता है उसका, इंसान का हेल्थ बहुत अच्छी होती है, लाइफ में प्रोग्रेस बहुत करता है अगर इस तरह कर्व लिए हुए होती है। इसी में हमारा नेक्स्ट जो आता है, अगर हमारी लाइफ लाइन, आपने देखा होगा किसी की लाइफ लाइन बहुत शॉर्ट होती है, इस तरह बहुत शॉर्ट होती है, तो इस तरह का शॉर्ट लाइफ लाइन है तो ये फैमिली इशू दिखाती है कि आपकी फैमिली में डिस्प्यूट बना रहेगा, लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, मतलब प्रॉब्लम ही आपका, मतलब कुछ ना कुछ आपके फैमिली के साथ में कुछ ना कुछ इशू रहेगा ही रहेगा, और उसके साथ साथ आपकी हेल्थ का भी इशू रहेगा, हेल्थ मतलब खराब आपकी इसके रहेगी अगर आपकी हेल्थ लाइन छोटी होती है, लेंथ वाइज कम होती है, ठीक है। अब इसी में हमारा भी नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर हेल्थ लाइन में हमारा कोई द्वीप बना हुआ है, आइलैंड बना हुआ है, जिस आइलैंड हमारा मिडिल में, ये हमारा मिडिल हो गया, मिडिल में जैसे ये आइलैंड सा बना हुआ है, द्वीप जिसको बोलते हैं, अगर बना होता है तो ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उसकी लाइफ में
मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, कोई ना कोई उसके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेगी। और ऐसे इंसान को स्टोमक की भी प्रॉब्लम होती है। अगर ये दीप मिड में है, बीच में, लाइफ लाइन के बीच में दिया हुआ है, तो इस तरह के लोगों को अपनी मैरिज लाइफ में मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर ये दीप हमारा एंड में पाया जाता है, इस तरह ये एंड में आ जाता है, ये हमारा दीप एंड में पाया जाता है, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज होने का चांसेस होता है, और उनको हेल्थ का तो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, और उसके साथ साथ उनको पाइल्स की भी बीमारी होती है। डायबिटीज और पाइल्स का प्रॉब्लम रहता है, और हेल्थ इश्यू उनको उनका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट आता है, हमारा नेक्स्ट आता है कि अगर हमारी लाइफ लाइन गई, अगर हमारी ये लाइफ लाइन के अंदर अपवर्ड ब्रांचेस मतलब ऊपर की तरफ जो ब्रांचेस जा रही है, ऐसे ऊपर की तरफ आपने देखा होगा ब्रांचेस निकलती हैं, तो अगर ऊपर की तरफ की ब्रांचेस जा रही हैं तो ये एक अच्छी मानी जाती है। इसमें क्या होता है, अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रही है मतलब आपको लाइफ में प्रमोशन मिलेगा, लाइफ में आप बहुत सक्सेस मिलेगा, बहुत कुछ आपको लाइफ में मतलब हर चीज़ में प्रोग्रेस आप देखने को आपको मिलेगी। जॉब में है तो प्रमोशन आपको दिया जाएगा, अगर आप बिजनेस है तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, और मतलब हर तरफ से सक्सेस भी रहेगी और हेल्थ वाइज भी आप बहुत अच्छे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी में नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हमारी ये ब्रांचेस डाउनवर्ड में जा रही है मतलब नीचे की तरफ में जा रही है, ये डाउनवर्ड में जा रही है, तो अगर ये ब्रांचेस डाउनवर्ड में जाती हैं तो इसका मतलब होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट आप समझ लीजिए कि लॉस होगा आपको। अगर आप बिजनेस में हैं तो लॉस होगा, जॉब में है तो शायद आपका जॉब जाने का चांसेस रहेगा, और इसके क्या कहते हैं हेल्थ का इशू आपको रहेगा, और मतलब कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा। आप अगर कहीं पैसा भी लगाते हैं तो वहाँ भी आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने एक वीडियो डाला था लाइफ लाइन के, जिसमें हम लाइफ लाइन को कैसे डिवाइड करते हैं, उसमें मैंने दे रखा है कि लाइफ लाइन को हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो उसको काउंट करके आप देख सकते हैं कि मेरी इस एज में ये डाउनवर्ड ब्रांच जा रही है, आप काउंट करके, तो उस एज में थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा, तो ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि हमारे जैसे ये लाइफ लाइन है, ठीक है, ये लाइफ लाइन में अगर हमारा कोई क्रॉस आ जाता है, इस तरह का कोई क्रॉस आता है, क्रॉस बन जाता है, या कोई लाइन ऐसी इसको काट देती है तो क्रॉस क्रॉस हो जाता है, तो ये क्रॉस होने से क्या होता है कि क्रॉस बना है तो ये हमारा एक तो हेल्थ दिखाता है, हमारी हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, हेल्थ डिस्टर्ब के साथ साथ हमारा एक्सीडेंट भी दिखाता है कि हमारे लाइफ में हमारे को एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा। अब ये वो ही है कि आप काउंट करके देख लीजिए अपनी लाइफ में कि कहाँ पर आपका क्रॉस बना हुआ है, ये किस एज पर जाके बना हुआ है। इसको मैंने बताया था 10 10 से हम डिवाइड करते हैं, तो आप काउंट करके एक आपकी माइंड में आ जाएगा कि इस एज पर मेरे को थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, मैं देख के भी ड्राइविंग करूँ या जो भी है, तो आप खुद भी जान सकते हैं इसको कि मेरे लाइफ के पीरियड में मेरे साथ में ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब मेरा एक और पॉइंट आता है इसी में लाइफ लाइन के अंदर, अगर हमारी लाइफ लाइन में वेव बनी हुई है, वेव मतलब होती है जैसे इस तरह ली हुई वेव ली हुई लाइनें ऐसे आती हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे लिए हुए टेढ़े मेढ़े टाइप के, तो उस उसमें क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को वीक शो करता है। अगर आपकी कहीं भी ये वेव लाइन बनी हुई है हाथ की लाइफ लाइन के
कहीं बीच में बनी हुई है, एंड में बनी हुई है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बनाई है, ये आपके कहीं किस जिस भी पीरियड में आपकी ये लाइफ लाइन के जिस भी पीरियड में होगी, स्टार्टिंग में होगी, मिड में होगी, या 1/4 वाले में होगी, या लास्ट में होगी, तो आप एक तो ये शो करता उस पीरियड में आपकी इम्यूनिटी पावर वीक होगी, इम्यूनिटी पावर सिस्टम मतलब ठीक नहीं होगा आपका, और नॉर्मली आपको वीकनेस फील होगी, आप अपने आप को बहुत वीक फील करेंगे, जैसे चक्कर आना, और मतलब कुछ अजीब से एग्जाइटी टाइप का होना, तो वो आपको फीलिंग्स आएगी अगर इस तरह का वेव लाइन लिए हुए आपकी लाइफ लाइन में कहीं भी वेव लाइन आती है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि मेरे इम्यूनिटी पावर, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर कम है, और मेरी मतलब वही हो गया कि आपको वीकनेस है, तो आप आगे आप इसका फर्दर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैंने सारा लाइफ लाइन के बारे में कैसे कैसे किस किस लाइन को डिवाइड किया जाता है मैंने बता रखा है, तो एक मतलब आप भी और इतने इजी वे में है कि आप लोग खुद भी अपने आप से ये छोटी छोटी चीज़ें देखकर अपने आप को बचा सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम आने से बचा सकते हैं, या जो भी है, तो ये अभी मेरे इस कुछ पॉइंट्स और हैं इस लाइफ लाइन के ऊपर, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू।